दीप पर्व दीपावली के बाद अन्नकूट महोत्सव की शुरुआत हो गई है और मंदिरों से पकवानों की मीठी महक आनी शुरू हो गई है। बुधवार को इसी कड़ी में हरसिद्धि मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान मां हरसिद्धि का आकर्षक श्रृंगार कर 56 पकवानों का भोग लगाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में नियमित दर्शनार्थियों ने जगत जननी माँ हरसिद्धि के दर्शन किए। शाम को अन्नकूट महोत्सव के अवसर पर आरती की गई। मंदिर के पुजारी रामचंद्र गिरी के मुताबिक दीपावली के बाद अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। उसी परंपरा के अनुसार मां हर सिद्धि के दरबार में अन्नकूट आयोजित किया गया। कोरोना संक्रमण के डर से कोरोना नियमों का भी पालन किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अन्नकूट महाआरती कर कोरोना को खत्म करने की प्रार्थना की गई। संक्रमण को देखते हुए हमने इस बार ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम यहाँ दर्शन व्यवस्था करेंगे। आप जिसे देख रहे हैं हमने इस बार 56 भोग के साथ ये भी किया है कि पिछली बार भंडारा भी होता था, लेकिन इस बार हमने एक पैकिंग प्रसाद की व्यवस्था की, श्रद्धालुओं को प्रसाद दिया जा रहा है। दूसरा यह कि देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी एक ऐसा अवसर होता है जब देवता जागते हैं और उन्हें पुनः मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। तो इस शुभ प्रसंग अवसर पर आज यह माता को 56 भोग समर्पित किए गए हैं और इसके दर्शन और इसके प्रसादी प्राप्त करके लोगों का कल्याण होता है। चूँकि पर नवरात्रि और दीपावली के बाद कार्तिक मास में देवताओं को 56 भोग समर्पित किए जाते हैं, उसी क्रम में आज यहाँ शक्तिपीठ माँ हरसिद्धि को 56 भोग समर्पित किए गए हैं और यहाँ दर्शन लाभ लेकर प्रसादी लाभ लेकर श्रद्धालु धन्य हुए हैं।